नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज बड़ी बहस की शुरुआत बशीर बद्र साहब की चंद लाइनों के साथ, जो आज की तस्वीर पर मौजूद भी है। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। और वो मोड़ मिल ही गया। जी हाँ, जब मुलाकात हुई उन दोनों के बीच जो चंद दिन पहले एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, आज चाय पी पी कर एक दूसरे का हाल खबर पूछते रहे। और ये फिर मुलाकात खबर बन गई, लेकिन सवाल है कि इस खबर के अंदर की खबर क्या है, इसे ही समझने की कोशिश करेंगे आज बड़ी बहस में। सियासत में मुलाकात बहाने का मोहताज तो नहीं होता, लेकिन अगर मुलाकात के मकसद तलाशे जाते हैं तो बहाने बनाए जाने लगते हैं। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में मुलाकात की है, लेकिन इसके मकसद को लेकर चर्चा छिड़ चुकी है। पूछा जा रहा है, क्या दोनों ने हाथ मिलाया है तो कदम भी कभी मिलाएंगे? दिसंबर की इस सर्दी में भी बर्फ पिघल रही है, यह मुलाकात खास तो मानी ही जा सकती है। बिहार चुनाव में एक ने दूसरे को मात दी, लेकिन बात जब विकास की होगी तो दोनों को एक दूजे की दरकार होगी। पीएम मोदी से मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार का यही अंदाजे बयां दिखा। किसी मुद्दे को लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गए थे। चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली आने का मौका मिला और उनसे मिलने गए थे शिष्टाचार और मुलाकात हुई। दरअसल बिहार चुनाव में जीत मिलने के बाद फर्क देखने वालों के लिए एक वजह यह भी है कि सदन में नीतीश ने महापैकेज के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा था, और अब मुलाकात होने पर नीतीश कह रहे हैं पैकेज देने का दावा है तो अमल भी होना चाहिए। पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था और उस पैकेज के डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया उस समय ही व्यक्त कर दी थी, लेकिन जब पहले से चली आ रही योजनाओं को मिलाकर जो कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ है तो कम से कम इस बात की प्रतिबद्धता उन्होंने जतलाई है केंद्र सरकार ने कि हम ये धनराशि की जो योजनाएं हैं उसको आगे जारी रखेंगे या नई योजनाएं चलाएंगे। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी बिहार में उस पर अमल होगा। बिहार को सरकार से ज्यादा विकास की दरकार है। आपसी रिश्तों पर सियासत हो सकती है, लेकिन जब बात 10 करोड़ जनता की हो तो बर्फ पिघल जाए बेहतर यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। हालांकि सर्दी में ये बर्फ पिघलने से सियासी गर्मी जरूर बढ़ गई है। नीरज कुमार विधान पार्षद हमारे साथ हैं, जेडीयू के दिलीप चौधरी साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ, नवल किशोर यादव भी हमारे साथ हैं विधान पार्षद बीजेपी के। स्वागत है फिलहाल आप दोनों मेहमानों का। और सबसे पहला सवाल नवल जी आपसे होगा, इस मुलाकात को हम क्या नाम दें, इस तस्वीर को हम नाम क्या दें, और इस तस्वीर में क्या बीजेपी कुछ सियासी भविष्य भी देख रही है या आप भी एक शिष्टाचार मुलाकात मानकर चल रहे हैं? सुमित जी, राजनीति में जब एक कदम निकलते हैं तो वो सियासी भी रहता है और शिष्टाचार भी रहता है। शिष्टाचार में भी सियासी बातें छिपी रहती है और सियासत में भी शिष्टाचार भी देखे जाते हैं, कटुता भी है तो शिष्टाचार भी है। इसलिए इसको दोनों एंगल से, दोनों दृष्टिकोण से, चूंकि इस देश की राजनीति जो चल रहे हैं वो नीति और सिद्धांत तो है ही, लेकिन रिश्तों पर आधारित भी इस देश के में राजनीति चल रहे हैं। जब कोलिशन गवर्नमेंट होते हैं तो रिश्तों के आधार पर होते हैं। आप देखिए, कल तक कटुता थी लालू जी से, नीतीश जी को जेल भिजवाए थे और अभी सौहार्दपूर्ण वातावरण है, दोनों एक साथ हो गए। तो इसलिए इसको इस एंगल से ही देखने की जरूरत है। मतलब इस एंगल में कुछ भविष्य के एंगल भी तलाशने की कोशिश, वर्तमान में ही भविष्य को देखे जाते हैं, टटोले जाते हैं और वर्तमान के कदम से ही भविष्य के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसको हर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नीरज जी, आप कैसे देखते हैं सर? माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये विधानसभा चुनाव के बाद एक सामान्य शिष्टाचार की मुलाकात थी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब जनता ने, जनता के प्रोटोकॉल का जब जवाब मिला, बिहार में व्यापक जनादेश मिला,
तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो असहज महसूस किए होंगे, क्योंकि हाथ मिलाने में तो परेशानी हो रही होगी। इसको अहंकारी कहा, दम्भी कहा, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। तो अब स्वाभाविक है, चूँकि यह बात भारतीय जनता पार्टी पूर्व के काल में बोलती थी कि नीतीश जी चूँकि मिलना नहीं चाहते उनसे, इसलिए मुख्यमंत्री के पद से हट गए। तो अब कैसा तबीयत लग रहा होगा? तो आप परेशान करने गए थे? नहीं, परेशान नहीं करने गए थे नीतीश जी, परेशान हम इस बात को साबित हमने किया कि शिष्टाचार जो राजनीति में होता है उसकी मर्यादा का अनुपालन किया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव हुआ, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक सामान्य शिष्टाचार की मुलाकात करना ये लाजमी है। तो ये शिष्टाचार बीजेपी ने नहीं निभाया? अगर बीजेपी निभाती तो यह बात क्यों बोलती नवल जी, यह बात क्यों बोलती विधानसभा चुनाव के पहले? आप देख लीजिए जीतन राम मांझी जी का पीरियड में कि नीतीश जी पद इसीलिए छोड़ दिए कि नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाने में उनको परेशानी होती। तो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कैसा लग रहा होगा? तबीयत नासाज है या तबीयत बेहतर है, या वो परेशानी में महसूस कर रहे होंगे, असहज महसूस कर रहे होंगे, ये जनता जरूर जानना चाहती होगी। तबीयत कैसा है? देखिए, तबीयत वैसा ही है जैसा रीपैकेजिंग जो किया था नरेंद्र मोदी जी, जो बार बार पैर उठा के कह रहे थे कि रीपैकेजिंग है, नया कोई हमारे यहाँ कोई पैकेज नहीं दिया है, रीपैकेजिंग है। अब जब तड़वा गिरा के वहाँ हाथ पसार के उसी रीपैकेजिंग के मामले मांगने गए, तो नीतीश जी का अंतस्कह में क्या लगता होगा सो आपको पता चलता है। और जिस तरह से लालू यादव जी को जेल भिजवाया, जिस तरह से पूरे उनके मतदाताओं को जेल भिजवाते रहे, टॉर्चर करते रहे, और आज उनके सामने नतमस्तक। मोदी जी की तबीयत कैसी रही इस मुलाकात में? अच्छा, मोदी जी आए थे मिलने कि नीतीश जी गए थे मिलने? तो ये देखिए, इसमें बड़ा बहुत तथ्यपूर्ण बात है। ये जो मिलने गए थे तो चीफ मिनिस्टर है एक राज्य का, इनको मिलना ही चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर है देश के, उनको मिलना ही चाहिए। ये बात कह के सफाई देने की क्या जरूरत है कि शिष्टाचार में गए थे मिलने के लिए? भारत के प्रधानमंत्री उनसे गए थे मिलने के लिए, देश के राज्य के हुकूमत चलाने हैं तो हम गए थे। जैसे ही कोई कनीता से अपनी बातों को काटे तो समझे कि अंदर में कोई और बात है, कहीं किसी को डर पैदा करके सत्ता चलाने के लिए इस तरह की बात तो नहीं कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ये बात तो नहीं नीरज जी, किसी के मन में आप डर पैदा करना चाह रहे हैं इस मुलाकात के बिल्कुल बहाने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस बात को कह रहे हैं कि यह जो आरोप भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले लगाती रही कि माननीय नीतीश कुमार जी सामान्य शिष्टाचार की भाषा भी नहीं जानते हैं, कार्यशैली नहीं जानते हैं। तो आज जब जीतन राम मांझी जी के बाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, चुनाव के बाद भी गए, तो ये आरोप तो खारिज होता है ना। अगर व्यक्तिगत रूप से मन में कहीं कटुता रहती तो सामान्य शिष्टाचार मुलाकात क्यों होती? ये स्वाभाविक, ये जवाब इस बात का है नीरज जी। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि ठीक है, आपने मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के पीछे ये तर्क देने की जरूरत क्या है कि हमने ये साबित कर दिया शिष्टाचार हम में ही है? इसलिए कि आरोप हम पर लग रहे थे, हम पर आरोप पूरे चुनाव में लगाया गया कि अहंकारी हैं, दम्भी हैं, ये मिलना नहीं चाहते थे। आपको तो आपने कह दिया था पहले ही, हम याचक हैं। नहीं, हमने यह कहा था कि अगर बिहार के विकास के लिए जहां जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे, और जिस ढंग से बोली लगाई गई, नीलामी की गई बिहार की जनता की कि लोगे, कितना लोगे, इतना दे दें, ये जो व्यवस्था। लेकिन अब तो आप उसी पैकेज का तहे दिल से स्वागत नहीं कर रहे हैं। उस समय हमने क्या कहा था ध्यान दीजिएगा सुमित जी, पीएम जिस पैसे को सौगात बता रहे हैं, असल में वह मेरा पैसा है। विशेष आर्थिक पैकेज के नाम पर 87% पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग की गई, ये तर्क के माध्यम से तथ्यों के साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया। एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया, अब आप धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद हम तो यह भी कह रहे हैं कि इसकी निगरानी भी करिए, चूंकि आप देखिए सुमित जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुखारवृंद से जो कहा गया, न उसको पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से लाया गया, न बजट में कोई प्रावधान किया गया, और ये 1,25,000 करोड़ का है तो कोई समय सीमा नहीं है। हमने तो निश्चय अगर किया है तो 2,70,000 करोड़ का, तो उसमें बताया है कि 5 वर्ष के अंदर करेंगे, ये हमने तय किया। उसके भी निगरानी के लिए विधानसभा की, विधानमंडल की समिति, एक अलग से कमेटी है राज्य योजनाओं के निगरानी के लिए, केंद्रीय योजनाओं के लिए। ये मेरे ख्याल से पहली बार है नवल जी, केंद्रीय योजनाओं की निगरानी के लिए विधानमंडल की समिति
क्या आप इसे एक सियासी चश्मे से भी देख रहे हैं या फिर एक अच्छी पहल है? ऐसा है, अच्छी पहल है, लेकिन राज्य की योजनाओं को भी हाउस की कमेटी देखे कि जिन योजनाओं के 95 करोड़ के एस्टिमेट बनते हैं और 200 करोड़ पर चला जाता है, उसको भी जांच करने की जरूरत है। और अभी नीरज जी कुछ कह रहे थे, शिष्टाचार की बात नीतीश जी क्यों कर रहे हैं? अब वहां हाथ मिला लिए हैं और फिर जब जरूरत पड़ेगा तो अगर कोई पोस्टर साट दिया तो उसको फड़वाएंगे। ये जाके गुजरात में उनको न्योता दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, और जब साथ साथ काम कर रहे थे यहाँ पोस्टर सट गया तो इनको कलेजा फटने लगा, क्योंकि ये अपने ब्रांड के सामने, अपने आईक्यू के सामने, अपने चरित्र के सामने पूरे भारतवर्ष के पॉलिटिकल लोगों को ये बौना समझते हैं। जिस तरह से लालू यादव जी को बरगला के ये रखे हुए हैं, उसी तरह पूरे भारतवर्ष के ये राजनेताओं को बरगलाना चाहते हैं। आपने कहा था कि डर, आपने कहा था किसी के मन में डर पैदा करना, वो कौन है जिनके मन में डर पैदा करना चाहते हैं नीतीश जी, और क्यों? वो चूंकि अब हड़काएंगे नहीं किसको, अब ये अपने जिसके साथ रहेंगे उसी को ना हड़काएंगे। ये लालू जी को बताना चाहते हैं कि देखिए हमको अगर ज्यादा तंग कीजिएगा, ज्यादा हम पर वजन दीजिएगा, अच्छा तो हम उधर भी जा सकते हैं। तो उधर दरवाजा खुला हुआ है क्या आपका? दरवाजा खुला हुआ है? दरवाजा तो इनके लिए, अब राजनीति में क्या होता है, दरवाजा इनके लिए खुला हुआ है कि दरवाजा लालू जी के लिए खुला हुआ है, लालू जी भी गए हुए हैं, वो बात अलग है। लेकिन लालू जी के लिए भी आप दरवाजा खोल रखे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा आदमी है जो भारत के जितने पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो उसके समर्थन से भी चलना, भाजपा हो उसके समर्थन से भी चलना, आरजेडी जिसको, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सजा याप्ता कराया उसके साथ भी चलना, ये इनसे कोई बार नहीं है। ये किसी के साथ पद पर रहने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए ये कभी किसी के साथ समझौता कर सकते हैं। फिर भी आप चलने को तैयार हैं आगे? हम कहला चलने जाएंगे तो आप ही कह रहे हैं दरवाजा उनके लिए भी खुला है? नहीं नहीं नहीं, राजनीति में दरवाजा बंद होते ही नहीं है। हाँ, तो राजनीति में सब दरवाजे के बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं कि उनके साथ हम आगे भी चलने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग आपकी मजबूरी है? नहीं नहीं, हम हमारा कहला मजबूरी रहेगा, हमको कहीं साथ चलना नहीं है। लेकिन ये जो भयग्रस्त करने जा रहे हैं लालू जी को, ये उनका यही तजुर्बा है। और ये जो बार बार कहते हैं कि हम गए थे शिष्टाचार में, जब आदमी शिष्टाचार भूल जाता, अच्छा आप बताइए, आप बार बार कहते रहे, अभी भी नीरज जी कह रहे हैं इधर रीपैकेजिंग है, तो रीपैकेजिंग है सब कुछ है ये, तो मॉनिटरिंग क्या करेगा भाई, वो तो आईबे करेगा, जो रीपैकेजिंग है तो मांगने क्या जा रहे हैं। दो सवालों का पैकेज को लेकर भी सवाल, और सवाल ये भी कि क्या वाकई ऐसा है कि लालू जी अगर तंग कीजिएगा तो हमारे दरवाजे ये खुले हुए हैं? देखिए ये तो मन में ख्याली पुलाव है ना भाई, जब आदमी हार जाता है तो क्या कहेगा, अभी जो हमको वोट नहीं दिया है वो लोग यही कहता है कि अच्छा एकाश एक साल सरकार चली तो बहुत चली, सवाल उस बात का नहीं है। लेकिन नीरज जी मैं इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ माफी के साथ जी, सियासत तो संभावनाओं का खेल है, आप पहले भी ये कहते रहे कि लालू जी के साथ हम नहीं जाएंगे, लेकिन लालू जी के साथ आप गए भाई, कहाँ कोई तो इनकार कर रहा है। हाँ। हम करें तो राम राम, भाजपा किसी के साथ जा सकते हैं? आप बताइए सुमित जी, भाजपा करे तो राम राम, नरेंद्र मोदी जी अटल जी की आत्मा को दुखी करने वाला रामविलास जी के साथ गठबंधन कर लिए तो बड़ा अच्छा, जीतन राम मांझी जी को जी भोर करके गाली देते थे, महादलित से महापाप का हिसाब लेंगे, उसके साथ ये गठबंधन कर लिए, वो नैतिक है, सवाल इस बात का नहीं है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि आप आगे जा सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात सुमी जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए राज्य योजनाओं के अनुश्रवण के लिए अनुमंडलीय अनुश्रवण समिति बनी है अभी चुनाव के पूर्व, 2-3 महीना पूर्व, और जिसमें जो वरीय विधायक होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, जो उस जिले के चाहे वो प्रतिपक्ष के रहें, सत्ता के रहें, किसी राजनीतिक दल के हों, एक व्यवस्था यह की गई है, उसका क्रियान्वयन अभी जमीनी स्तर पर मजबूती से नहीं हुआ है। तो अगर केंद्रीय योजनाओं का केवल आपने मुख से घोषणा कर दिया, पार्लियामेंट का एक्ट में नहीं लाया, जिसे बिहार पुनर्गठन विधेयक के तहत हमको बीआरजीएफ का रुपया मिलता है, आप तो एक्ट के माध्यम पहले से हैं जी, नई योजनाएं हैं कहा, आप तो कह रहे हैं पहले ही से 87%। हाँ 87% जो मतलब वो योजनाएं पहले से चल रही हैं। हमें तो उसका समय सीमा बताइएगा ना, कितने दिनों में दीजिएगा, कब दीजिएगा? ये आपने कांग्रेस से नहीं पूछा था, लेकिन हमने कांग्रेस से भी पूछा है समय सीमा। अब बताइए विधानमंडल में कांग्रेस से समय सीमा पूछा नहीं, था सर आपने? पूछा है, कब पूछा? हमने हर हर समय सवाल खड़ा किया है, बिहार के हित के सवाल पर हम लोग नहीं पत्र लिखे हैं सर, उन्हीं योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जब यूपीए सरकार थी तो विधानमंडल समिति बनाने का सुझाव क्यों नहीं दिया गया? इसका मतलब कि जो पहले नहीं हुआ अब नहीं होना चाहिए, पहले गलतियां हुई, फिर पहले गलतियां नहीं,
अब जब जब सवेरा तब संज्ञान, तो पहले गलतियां हुई। हम ये कह रहे सुमित जी, पहले मॉनिटर पहले योजना विधायक फंड था, आज क्यों विधायक फंड हुआ? तो मैं वही कह रहा हूँ सर, पहले सवाल इस बात का नहीं है। एक बार संशोधन नीरज जी, विधायक फंड पहले था, आपके मुख्यमंत्री ने विधायकों को चोर घोषित करके बंद किया और फिर भी उसमें चालू किया। मुद्दे पर आना चाहूंगा सर, मेरा सवाल नवल जी आपसे भी है, सवाल ये कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि लालू जी तंग करेंगे नीतीश जी को? नहीं नहीं, लालू और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं इसमें? क्या अपने लिए भविष्य तलाश रहे हैं? लालू जी तंग करें या ना करें, नीतीश जी एक जगह स्थिर रह नहीं सकते हैं। ये लोटा दिखा के बटलोही गायब करने वाले लोग हैं, ये सत्ता में बने रहने के लिए। तो अभी कौन उन्हें सत्ता से हटा रहा है? किनको? नीतीश जी को। जो उनके साथ जिनके साथ रहेंगे वही ना हटाएगा, हम लोग कहला हटाएंगे, हम लोग तो सहयोग करने वाले हैं। आपको लग रहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लालू हटा देंगे? नीतीश जी अपने एक एक विधायकों को भयग्रस्त रखते हैं और अपने एलाई पार्टियों को भी भयग्रस्त रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए चकमा दे रहे हैं। तो नवल जी, आप लालू जी के साथ भी रहे हैं और मैं उन अनुभवों को लेकर आपसे सवाल करूंगा, क्या लालू जी भी इतने साधारण खिलाड़ी तो नहीं है, राजनीतिक खिलाड़ी? अगर नीतीश जी डरा रहे हैं तो उस डर की काट लालू जी के पास भी तो होगा निश्चित रूप से। राजनीति में सब कोई करता है, वो अपना भी काट सोच रहे होंगे, अपना भी काट करेंगे। हाँ। क्योंकि ये मानसिक रूप से लालू यादव जी के साथ बहुत दूरी तय ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नीतीश जी? क्यों? क्योंकि दोनों के दो, देखिए पूरे भारत के इतिहास में दो समाजवादी खेमा को 5 साल तक कोई सरकार हुकूमत चलाते हुए केंद्र से लेकर बिहार तक एक साथ, आपके पास एग्जाम्पल हो तो आप हमको बताइए। जी कहते हैं जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा, वो तो पहले जो नहीं हुआ वही ना होगा, वही तो हम कह रहे हैं कि कुछ कर सकते हैं। ये सत्ता बचाने के लिए और जहां कहीं भी बचा हुआ होगा उस दरवाजे तक भी जाएंगे। तो गले मिलने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं नीतीश जी के साथ? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा कई स्टेट है इस देश में, कई स्टेट है। मुख्यमंत्री बहुत छोटा चीज है, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चीज, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इनकी जरूरत नहीं, इनकी जरूरत आपके मुताबिक सर, आपके कहे के मुताबिक अगर लालू जी तंग करेंगे तो मोदी जी उन्हें गले लगाएंगे? अब ये तो मोदी जी बताएंगे कि लालू जी को गले लगाएंगे कि नीतीश जी को गले लगाएंगे। नहीं, आप बीजेपी के प्रतिनिधि होने के नाते ना बीज, अच्छा जो बात अभी हुई नहीं है, अभी आप तो ही कह रहे हैं सर लालू जी तंग करेंगे। ऐसा है सुमित जी, फिल्म के कास्टिंग से फिल्म का सारांश नहीं निकलता, ये कास्टिंग है अभी इस। तो आप पहले ही सर, फिल्म शुरू नहीं हुई, आप पहले ही फिल्म को कह रहे हैं कि ये फ्लॉप है। कास्टिंग बताता है कि फिल्म किधर जा रहा है। किधर जा रहा है सर? ये इंटरवल के बाद कुछ नए किरदार आ जाएंगे या कुछ नई कहानी आ जाएगी? नीरज जी, जो जिन बातों को लेकर अगर जिक्र कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है विपक्ष कह रहा है कि लालू जी तंग करेंगे? क्या कहेंगे अब, सुपड़ा साफ हो गया बिहार में, तो क्या कहने लायक बचा है? यही सब ना कहेंगे। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि धारा 370 का नारा लगाते थे तब पीडीपी के साथ कैसे गठजोड़ कर लिए? क्यों किया गठजोड़? क्यों ऐसा अपने पाप किया? लोगों के ध्रुवीकरण की राजनीति की, धारा 370 समाप्त करेंगे, मंदिर बनाएंगे, इस सब मुद्दा को जब सत्ता मिलता था भूल जाते हैं। माफ कीजिएगा नीरज जी, लेकिन कौन अलग है सियासत में, फिर अलग कौन है? अभी लालू जी के खिलाफ थे, पार्टी विथ डिफरेंस का दावा किसका है? हमारा दावा नहीं किया हमने। फिर आप पार्टी विथ डिफरेंस नहीं है ये आप मानकर चल रहे हैं? हमने कभी दावा नहीं किया है कि राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं, जनता की राजनीति करते हैं, अपने मूलभूत नीतियां जो हैं, बीजेपी की मूलभूत नीतियां क्या है? धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, ये तीनों एजेंडा इन्होंने छोड़ा है कि नहीं, सो बताइए क्यों छोड़ दिया? हमारा अगर समाजवाद है, हमारा अगर सामाजिक न्याय है, न्याय के साथ विकास है, आप मानकर चल रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे छोड़ दिए हैं बीजेपी ने? छोड़ दिया भाई, देख लीजिए ना, फिर आपके लिए तो सहूलियत भरी स्थिति है सर। कश्मीर के मुद्दों को लेकर तो आपको डर था कि नहीं, ये मुद्दे ना पकड़ लें। हम जनता को ये नहीं, हम जो कह रहे थे वो हुआ। हमने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री का ऐसा व्यक्ति को चुना जा रहा है जिस पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। आज ये साबित हो गया, आज ये साबित हो गया, घर वापसी, लव जिहाद, क्या क्या नारा नहीं लगाया गया देश के अंदर में। नवल जी देखिए, एक बात मैं बताऊं कि ये तो 17 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के गोद में ही बैठ के अपने को ग्रोथ लेने वाले लोग हैं। मैं फिर यही बात मैं रिपीट करता हूं कि नीतीश जी राजनीति में, जो लालू जी ने कहा था कि इनके दांत मुंह में कम है और पेट में ज्यादा है, उसी का इस्तेमाल ये आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, और तीन उड़ान में बटेर पकड़ाता है, इनका ये तीसरा उड़ान था।
अब बटेर पकड़ाने की स्थिति में है और इनको वो बटेर है क्या, बटेर एक बटेर पक्षी होता है, वो जब उसको पकड़ना चाहेंगे तो तीसरे उड़ान में पकड़ाएगा। तो वो सियासत में वो बटेर वो नीतीश जी के साथ वही एग्जाम्पल फिट बैठता है। सियासत में वो बटेर है कौन और क्या है वो बटेर? अच्छा जी बताइए, भारत के जितनी पार्टियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ये 4 MLA लेके आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के सारे विचारधारा इनको अच्छा लगते थे। जब ये 7.5 साल मुख्यमंत्री बन रह गए तो इनको विचारधारा खराब लगने लगा। गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज, इनको अरुण जेटली जी बड़ा अच्छा लगते हैं, इनको आडवाणी जी बड़ा अच्छा लगते हैं, इनको वाजपेयी जी बड़ा अच्छा लगते हैं, तो मोदी जी भी अच्छे लग रहे हैं, इनको मुरली मनोहर जोशी अच्छे लगते हैं, तो मोदी जी भी अच्छे लग रहे हैं मेरे ख्याल से। अब इनको मोदी जी भी अच्छे लगने लगे हैं। अब फोटो आप दिखा रहे हैं, फिर कहीं नहीं इनको परेशानी का सबब हो जाए वो फोटो देख के। ये चाहते हैं कि बंद कमरे में सब कुछ हो जाए, बाहर कोई देखे नहीं। नवल जी क्या यही परेशानी आपने कर दिया? अगर शिष्टाचार अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से उस भोज की घटना, मेरे ख्याल से इस पर चर्चा जरूरी है। उस वक्त फिर शिष्टाचार क्यों नहीं? एक मुलाकात की तस्वीर प्रकाशित हुई, उसे लेकर क्यों इतनी हाई तौबा हुई थी? वो भी तो एक शिष्टाचार का हिस्सा था। ठीक है, एक मुलाकात हुई, कल को अगर यही तस्वीर और चंद और तस्वीर आएंगी अखबारों में तो क्या परेशानी होगी आपको? सवाल इसी बात का है। अभी तमिलनाडु में बाढ़ आया, राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपया दिया, तो कहीं देखा आपने कि बैनर पोस्टर लगा हुआ है? कहीं बैनर पोस्टर लगा देखा? भिखारी के रूप में, याचक के रूप में आप पेश कर दीजिए राज्य की जनता को कि हमने 5 करोड़ रुपया ही गुजरात से आया था। और ये जान जाइए सुमित जी, हमने अगर पैसा लौटाया और उस समय सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो क्यों भोज कैंसिल हुआ था? तो क्या कर रहे थे आप? क्यों नहीं अलग हो गए थे? और सवाल शिष्टाचार का नहीं, सवाल शिष्टाचार इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज शिष्टाचार नहीं, आप कह रहे हैं। आज हम कह रहे हैं शिष्टाचार इसलिए कि देश, हम उस समय भी बोले थे कि हमारे मन के अंदर शिष्टाचार का सवाल नहीं है, मन के अंदर है कि आपने जो इस तरीके से बातों को पेश किया कि हमने 5 करोड़ रुपया दे दिया, नीलामी लगा रहे थे 5 करोड़ रुपया में, कोसी की त्रासदी हम झेल रहे थे, हमारा सवाल उस बिंदु पर था, शिष्टाचार के सवाल पर नहीं। शिष्टाचार का सवाल तो भाजपा उठाई, मतलब वो हरियाणा की रैली में जो तस्वीर थी उस तस्वीर से कोई एतराज नहीं? नहीं, रैली की तस्वीर जो तस्वीर अखबार में छपी थी, हरियाणा में क्या छपा था? वो दोनों हाथ मिलाकर उठाते हुए तो मोदी और उस सवाल पर हम लोगों ने क्या कहा? अखबार में वही तस्वीर छपी थी उस सवाल पर? नहीं, वो सुमित जी नहीं, जब गुजरात के, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी उस समय अखबार में बजाबता विज्ञापन दिया गया और कहा गया कि 5 करोड़ रुपया हम आपको दे रहे हैं और मिलकर काम करेंगे, ये उसमें लिखा गया था, मोदी नीतीश जी मिलकर किस बात के लिए मिलकर काम करेंगे? तो अगर मान लिया हम लौटा दिए, अच्छा, तो आपने उसको भगाया कि दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा, तो सुन लीजिए इनका दूसरा, दूसरा 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 सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जरा जान जाइए, बिना समाजवादी लोगों के हाल में हरदी नहीं लगा इनका, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जमाना हो, लालू जी का जमाना हो या नीतीश जी का जमाना। अभी फिर से वो हल्दी लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या आपके साथ आकर? अरे अभी कहाँ लगेगा, अभी तो इतना क्षतिग्रस्त है कि अभी कहाँ लगने वाला है, अभी तो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। देखे नंदकिशोर जी का कत्ल कर दिया सीधा, नवल जी सीधा कत्ल कर दिया उनका राजनीति में। अच्छा अभी भी मुख्यमंत्री बन के नीरज जी तो सब बहुत बातों को समझते हैं, 117 MLA था इनका, अभी कितना MLA है नीरज जी आपको याद है? गिने? हाँ एकदम बिल्कुल 71। अच्छा ये बताइए, लोग अपनी सीमाओं को बढ़ाता है, अपनी सीमाओं को घटा रहे हैं। सीमाएं आपकी भी बहुत घट गई। हम तो लोकतंत्र में गए, हमने जनता से अपील किया, हमको एक्सेप्ट नहीं किया, इनको एक्सेप्ट किया ये अलग बात है, ये तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन इनको जो एक्सेप्ट किया तो 117 से 71 पर आ गए, तो उसी दिन आपको नहीं लगा कि आधा ही वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पर चले गए? तो आप ऑक्सीजन की डिमांड आपसे कर रहे हैं क्या? नहीं, हमसे डिमांड क्यों करेंगे? आपसे है क्या? आप ऑक्सीजन देंगे? ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन के डिमांड करना होगा तो ये बहुत माहिर चीज है, डिमांड नहीं करेंगे, बेड पर ही सो जाने वाले हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, ये आप देंगे? अच्छा ऑक्सीजन जब देंगे आप? जब लालू यादव से आप ऑक्सीजन देंगे जब जरूरत होगी तो? कल भविष्य में क्या होगा मैं यह नहीं कह सकता हूँ सुमित जी, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ नीतीश जी के बारे में, जब लालू जी से इनके समझौता हो सकता है, कांग्रेस पार्टी जिसके बुनियादी वसूलों के खिलाफ पैदाइश हुआ था 74 मोमेंट में,
उसके साथ उसके मंत्री को गाड़ी से घुमा सकते हैं, घूम सकते हैं, राहुल गांधी के पास नतमस्तक हो सकते हैं, तो ये किसी दरवाजे तक, अब तो इनका विधायक भी कम गया है, 117 से 71 आ गया है, तो इनको तो अच्छा आप कभी कभी इनको सब शनका दे रहा है कि आप प्रधानमंत्री बने, बताइए 545 को एमपी होता है इनका, 71 को विधायक है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसे भी ये भी मनुष्य है क्या? अरे क्या बात है यही? नहीं देखिए, हम लोग अपनी सीमा को जानते हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, हम तो सीमा का ज्ञान हमको है। और जहाँ तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का, तो भाई हम तो वेंटिलेटर पर हैं, आप तो कोमा में चले गए सीधा, कहाँ थे 91, कहाँ पहुँच गए, और जिसको जिसको साथ लिए उनका भी सत्यानाश कर दिए, बेचारा जीतन राम मांझी जी को अकेले अकेला, और उनको भी विधायक दल का नेता बना देते, दल बदल कानून प्रभावी नहीं था, तो जिस संतन के जहाँ जहाँ पग पड़े पारे लग गए सब। सवाल इस बात का है कि अब देखिए, इस बहस को अब ख़त्म करना है आपको, हमारी उम्मीद ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, 18 महीने में जो कहते हैं सो करते नहीं हैं, इसलिए कम से कम सत्यवादी हरिश्चंद्र का दावा है तो जो मुखार बृंद से आपने साक्षात रूप से जो घोषणा और बोली लगाई है बिहार की, वह रीपैकेजिंग ही हो 87% आपका, कृपा कर करके उसको बिहार में लागू कर दीजिए, यही बिहार की जनता की अपेक्षा है। और बिहार को जो आदरणीय सुशील मोदी जी ने, नंद किशोर जी ने, सब लोगों ने विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव जो दिया है उस पर अमल करिए और बिहार को मौका दीजिए। सवाल के जवाब से सियासत संभावनाओं का तो खेल होता है नीरज जी, भाजपा बेचैन है कि कुछ उपाय लगे सत्ता से, आप भी लेकिन मानते हैं ना संभावनाओं का खेल है सियासत नीरज जी, इस बात से इतफाक तो रखते हैं। मैं संभावनाएं क्या है वो जनता भाई, तो रामविलास जी एक आत्म मानवतावाद पढ़ के साथ आए हैं जीतन राम मांझी, आपकी तरफ से भी ये सिद्धांत आप पर भी लागू है? हम तो पार्टी भी डिफरेंस है ही नहीं, ये पार्टी भी डिफरेंस है, ठीक है, तो ये लोग क्या क्या किए हैं उसकी भी चर्चा, चलिए ठीक है, आगे आने वाले दिनों में क्या ये बर्फ पिघलती है, जो पिघल रही है वो क्या आगे आने वाले दिनों में सियासी गर्मी और बढ़ाएगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल हुए, नमस्कार।